नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरिंदर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है ट्रस्ट से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि ट्रस्ट में हम लोग रिएक्शन फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे। तो ट्रस्ट होता क्या, पहले हम लोग ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्रस्ट कहते किसे हैं। कि जब कई सीधी छड़ों को जोड़ करके जोड़कर कोई त्रिभुजाकार संरचना बनाते हैं तो उसे ट्रस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कभी भी रेलवे के ब्रिज से जो नदियों पे बने होंगे अगर पास किए होंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना होता है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रस कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सपोर्ट हो गया। तो ये आपका हो गया ट्रस। तो ट्रस के बारे में हमको जो आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ये ट्रस के जो ज्वाइंट है इन ज्वाइंट पे लोड लगता है। इस ज्वाइंट पे क्या करता है, लोड लगता है, और इस पर रिएक्शन फोर्स फाइंड करने के लिए ही हमारे सिलेबस में है। पहले हम लोग जो है बीम एंड ट्रस एक चैप्टर पढ़ते थे, तो वहाँ पर बीम और ट्रस से संबंधित जो है थियरी वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। अब ये हमारा जो है बीम और ट्रस जो है मोमेंट वाले चैप्टर में अप्लीकेशन है, मोमेंट का अप्लीकेशन के पार्ट में ये है। तो यहाँ पे सपोर्ट पे रिएक्शन फोर्स ओनली निकालने के लिए एग्जाम में आता है। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि ये कोई ट्रस है जिस पर मान लीजिए यहाँ पे एक बल लग रहा है, मान लीजिए 40 किलो न्यूटन का लग रहा है, और यहाँ पे लग रहा है मान लीजिए 60 किलो न्यूटन का लग रहा है। ये एंगल आपका 60 अंश है, ये एंगल भी 60 अंश है, ये एंगल भी 60 अंश है, और ये एंगल भी 60 अंश है। मान लीजिए ये लंबाई आपकी 2 मीटर है, और यहाँ से ये लंबाई भी आपकी 2 मीटर है। तो यहाँ पे अगर हम ज्वाइंट का नाम बोले, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है। तो ट्रस के ज्वाइंट पे लोड लगता है। तो यहाँ पे हमको आर ए और आर बी का मान जो है ज्ञात करना, निकालना क्या है आपको, आर ए ज्ञात करना है और आर बी ज्ञात करना है। तो अगर देखें जो हमारा ये त्रिभुज बन रहा है, ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ से इस लाइन को अगर नीचे यहाँ पे लाएंगे तो ये बीचों बीच कट करेगा, और ये भी कहाँ आएगा, बीचों बीच आएगा। तो यही भार की क्रिया रेखा हो गई। तो यहाँ से ये दूरी जो होगी ये कितनी होगी, 1 मीटर के बराबर होगी, और यहाँ से ये दूरी जो होगी ये भी 1 मीटर के बराबर होगी। यानी कि जो बल 40 यहाँ पे लग रहा था उसको इस पॉइंट पे मान सकते हैं, जो यहाँ पे लग रहा था इसको इस पॉइंट पे मान सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो अगर हम लगाएं इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। और यहाँ पे चूंकि दोनों लोड वर्टिकल हैं तो ए पे रिएक्शन जो लगेगा आर ए, ये भी ऊपर की ओर लगेगा, और जो पे बी पे रिएक्शन लगेगा आर बी, ये भी ऊपर की ओर ही लगेगा। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन सिग्मा एम ए इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं। तो अगर हम लेंगे ये 40 वाला बल जो यहाँ पे आएगा, इसका भी डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की ओर होगा। बस हम दिखा रहे हैं, इसको बनाना नहीं रहेगा। अब बस समझ लीजिए, 40 जब यहाँ पे आएगा तो ये बिंदु ए के अबाउट कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव माने तो क्लॉकवाइज क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -40 बल हो गया, और दूरी यहाँ से कितनी होगी, 1 हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर अगले बल की बात करें तो अगला बल 60 होगा, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये -60 लेंगे और दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 और यहाँ से 2 1 3 हो जाएगा। और फिर आर बी जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो प्लस लेंगे आर बी, और दूरी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी बराबर 0। आर ए गुड़े नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आर ए बल लेंगे तो आर ए की बिंदु ए से दूरी 0 होगी, तो आर ए गुड़े 0 करेंगे तो 0 ही मिलेगा। इस कारण से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा -40 और -180 प्लस 4 आर बी बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 आर बी बराबर 240 220। तो यहाँ से आर बी बराबर जो आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा
55 किलो न्यूटन आ जाएगा। किसका मान? आरबी का मान आ जाएगा 55 किलो न्यूटन। अब हम लोग क्या लगाएंगे? अब हम लोग लगाएंगे समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, और समेशन एफ वाई इक्वल टू जो जीरो लगाएंगे तो जो बल ऊपर वाला उसे प्लस लेंगे, जो बल नीचे की ओर लग रहा है उसे माइनस लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि आर ए और आर बी हमारा जो है ये ऊपर की ओर लग रहा है तो इन दोनों को क्या ले लेंगे? प्लस ले लेंगे। और 40 और 60 नीचे की ओर लग रहा है तो इन दोनों को माइनस ले लेंगे। तो माइनस 40 माइनस 60 बराबर जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा आर ए और आर बी का मान आया है 55, तो इसको लिख लेंगे 55। और माइनस 100 इक्वल टू हो जाएगा जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा आर ए बराबर 45 किलो न्यूटन। आर ए बराबर कितना आ गया? 45 किलो न्यूटन आ गया। इस प्रकार से आपका आर बी 55 किलो न्यूटन हो गया और आर ए क्या हो गया? 45 किलो न्यूटन हो गया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। उसके लिए आर ए और आर बी का मान क्या होगा? हम इसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा वो बताया जाएगा, जो नहीं आएगा वो बताया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं इसे, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं ऐसे बल ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं। ये मान लीजिए आपका है, ये मान लीजिए आपका है कि 60 किलो न्यूटन, और यहाँ पे मान लीजिए है, यहाँ पे ऐसे ले रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए है, यहाँ पे मान लीजिए है 50 किलो न्यूटन। यहाँ पे 50 ले रहे हैं, यहाँ पे ले ले लीजिए 100, एक 100 हो गया और एक 50 हो गया। और यहाँ से ये एंगल जो है ये मान लीजिए 30 अंश है, और ये भी एंगल मान लीजिए कितना है? 30 अंश है। अब निकालना है, ये मान लीजिए ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अब निकालना है क्या ए और बी पे रिएक्शन फोर्स क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, बस करना कुछ नहीं है। अब इन दोनों बलों को मान लीजिए ये दूरी आपकी दी हुई 2 मीटर, कितना दिया हुआ है 2 मीटर, ये भी है आपका और 2 मीटर आपका ये भी है, आपका 2 मीटर ये भी है, 2 मीटर ये भी है। और उसके अकॉर्डिंग और मान लीजिए क्या दिया हो, मान लीजिए 2 मीटर 2 मीटर है, ये सब 60 अंश हो, अगर थोड़ा सा प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये 60 अंश है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया। अब इसके दो कंपोनेंट हम लोग निकालेंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा 100 cos 30, ये 100 cos 30 हो जाएगा। एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 sin 30 होगा। और एक बल इधर आएगा, ये हो जाएगा 50 sin 30, और इधर हो जाएगा 50 cos 30। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे ये 100 cos 30, ये 50 cos 30, इधर की ओर बल ज़्यादा, इधर की ओर बल कम है। तो यहाँ पे जो आपका होगा आर ए, मान लीजिए ऐसे किसी एंगल पे लगेगा, और आर बी हम लोग जानते हैं हमेशा वर्टिकल लगता है। आर बी कैसा लगता है? वर्टिकल। तो आर ए के दो कंपोनेंट होंगे, एक आर ए वर्टिकल हो जाएगा और एक यहाँ पे आएगा, एक हो जाएगा आर ए हॉरिजॉन्टल। एक क्या होगा? आर ए हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार हो गया। अब यहाँ से ये दूरी भी हमको निकालनी पड़ेगी, ये दूरी भी हमको निकालनी पड़ेगी डी ई। तो डी ई पहले निकाल ही लेते हैं। तो डी ई की अगर हम लोग बात करें, पहले डी ई निकाल लीजिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा बाद में दिक्कत नहीं करेगा। डी ई अगर निकालें तो डी ई अगर हम देखें ए डी सी में, ए डी सी में अगर हम लोग देखें डी ई, तो ये आपका लंब हो गया और ए ई क्या होगा? 2 का आधा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये कर्ण होगा ए डी, ए डी का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए डी का मान आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट, क्योंकि ये सारी भुजाएं 2-2 होंगी, क्योंकि सारे ये भी एंगल 60 अंश होगा, सम बहुत त्रिभुज बनेगा, तो ए डी भी आपका 2 होगा, 2 का स्क्वायर, और माइनस ए ई का जो मान होगा 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर अंडर रूट 3। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा कठिन हो रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो रहा है? कठिन हो रहा है। तो क्वेश्चन को अगर चाहें थोड़ा सा
अब लिख दिए हैं तो अभी इसी को सॉल्व करते हैं, भले ही कठिन हो गया है, लगाएंगे तो लगेगा। तो डी ई का मान आ गया रूट थ्री और ये क्या होगा, मीटर हो जाएगा। कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं तो मैं वैसे ही रूट वगैरह में वैल्यू लेकर के चल रहा हूँ। अब डी ई हमको कॉन्सेप्ट समझना, कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। डी ई का मान आ गया, इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी, इसकी ज़रूरत क्या होगी पड़ेगी, इस ये दूरी हमारी कितनी आ गई, ये दूरी आ गई रूट थ्री मीटर, तो यहाँ से ये दूरी भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रूट थ्री मीटर, ये दूरी हमको पता चल गया। अब हमने बताया था ये यहाँ से ये दूरी कितनी होगी, एक मीटर, पिछले सवाल में भी था, और यहाँ से ये वाली दूरी भी कितनी होगी, ये दूरी जो होगी एक मीटर के बराबर होगी। अब देखिए, अब क्या, अब वही लगाएंगे संतुलन की स्थिति में, अब क्या लगाएंगे, इनइक्विलिब्रियम कंडीशन। इनइक्विलिब्रियम अच्छे से देखिएगा, नहीं तो गायब हो जाएंगे इसमें, इतना आसान भी नहीं है। इनइक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, समेशन एम ए इक्वल टू जीरो, ए या बी किसी के अबाउट मोमेंट लीजिए, जब एम ए इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये आर ए बी और आर ए एच दोनों का इस पर रिएक्शन का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बचे कौन कौन से बल, अब बचा आपका ये 100 cos 30 एक बल है, एक बल क्या है 100 cos 30 आपका एक बल है। अब 100 cos 30 क्या होगा, 100 cos 30 अब यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, 100 cos 30 की अगर हम लोग बात करें तो हो गया 100 cos 30 और ये किधर घुमाएगा, बिंदु ए के अबाउट ये ऐसे आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसको माइनस ले लेंगे। और दूरी क्या होगी, इस बल से यहाँ से लंबवत दूरी जो होगी डी ई के बराबर होगी, यानी गुड़े रूट थ्री लिख देंगे, गुड़े रूट थ्री हो गया। अगला बल है 100 sin 30, ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है तो हो जाएगा माइनस 100 sin 30, ये भी क्लॉकवाइज है, ये दूरी कितना होगा एक मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। अगला बल आपका है 50 sin 30, अगला बल क्या है 50 sin 30, तो ये भी माइनस ही होगा क्लॉकवाइज, माइनस 50 sin 30, और दूरी कितनी होगी, ये 2 और 1 3 गुड़े तीन, दूरी वगैरह ध्यान से देखिएगा, गुड़े तीन हो गया। अगला बल है 50 cos 30, तो ये वाला ऐसे आ रहा, देखिए ऐसे आ रहा, इस वाले लाइन पे आएगा तो ऐसे घुमाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो प्लस ले लेंगे 50 cos 30। और क्या होगा, आर बी अगला बल है, अगला बल क्या है आर बी, तो प्लस हो गया आर बी, प्लस हो गया आर बी, और दूरी कितनी होगी 4 होगी बराबर 0। इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा माइनस 100 √3/2 और गुड़े रूट थ्री माइनस 100 sin 30 का वैल्यू हो जाएगा 50, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, माइनस 50, ये हो जाएगा 50 sin 30 का वैल्यू हो जाएगा 25 और गुड़े 3 और प्लस 50 cos 30 का वैल्यू क्या होगा √3/2 और प्लस क्या हो जाएगा 4 RB = 0। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 2 से काटेंगे 50 होगा और √3 √3 3 हो जाएगा, तो 50 3 150 हो जाएगा, यानी -150 हो जाएगा, -150 हो जाएगा, और इसको ये -50 है, ये -50 है, और ये हो जाएगा -75, -75 हो गया, और यहाँ से काटेंगे +25 √3 हो जाएगा, +25 √3 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 25 √3 हो जाएगा, 25 √3 यहाँ पे हो गया। अब दूरी वगैरह देख लीजिए, कहीं अगर छोटा उटा रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दूरी छूट गया है 50 cos 30 और यहाँ पे दूरी क्या होगा √3 यहीं पे होगा, तो 50 cos 30 और इंटू √3 रहेगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो 50 √3/2 और यहाँ पे भी रहेगा 1 √3 छूट गया था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 25 और 25 3 75 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और +4 RB = 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 75 से 75 कट गया और -150 - -200 तो 4 RB = आ गया 200, 4 RB = कितना आ गया 200, तो यहाँ से RB = आ जाएगा 4 से काटेंगे 50 kN, RB का मान आ गया 50 kN। अब हमको RA का मान निकालना है, अब समेशन एफ एक्स लगाइए, समेशन एफ एक्स बराबर 0, तो यहाँ से एक्स डायरेक्शन में जब लेंगे तो एक्स डायरेक्शन में आर एच लग रहा है, इधर लग रहा है माइनस, एक्स एच की ओर जो लगे उसे प्लस, जो एक्स डैश की ओर लगे उसे माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस आर एच हो जाएगा,
माइनस आर एच, इस पर ये लग गया है और यहाँ पे क्या है ये प्लस हो जाएगा, प्लस 100 cos 30 और इधर यह माइनस हो जाएगा x डैश की ओर माइनस 50 cos 30 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा आर ए एच, अब यहाँ से ले सकते हैं इसको दोनों को सॉल्व करेंगे हो जाएगा 50 cos 30 और बराबर हो जाएगा आर ए एच, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा आर ए एच बराबर 50 × √3/2 cos 30 का मान। तो यहाँ से आ गया आर ए बराबर 25√3 न्यूटन, आर ए का मान आ गया कितना 25√3 न्यूटन। अब आर ए का मान आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आर आर ए वी आया है ये, सॉरी ये क्या है आपका आर ए एच का मान आया, किसका मान आया है आर ए एच का मान आया है। अब हम लोग समेसन एफ वाई लगाएंगे, अब क्या होगा समेसन एफ वाई बराबर 0, ये समेसन एफ वाई लगाएंगे तो आपका आर ए वी ऊपर की ओर लग रहा है तो हो जाएगा आर ए वी, और प्लस आर बी भी ऊपर की ओर लग रहा है आर बी, माइनस 100 sin 30 नीचे की ओर लग रहा है और माइनस 50 sin 30 ये भी नीचे की ओर लग रहा है बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा आर ए वी और प्लस आर बी का मान जो आया है 50, ये 50 हो जाएगा माइनस 100 sin 30 और 50 sin 30 हो जाएगा माइनस 150 sin 30 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा आर ए वी और प्लस 50 और ये माइनस 30 का वैल्यू 2, तो ये काटेंगे तो हो जाएगा माइनस 75 बराबर 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आर ए वी बराबर, यहाँ से काटेंगे माइनस पे उधर जाके हो जाएगा 25 किलो न्यूटन होगा, किलो न्यूटन हमने लिया है तो ये भी किलो न्यूटन में रहेगा 25 किलो न्यूटन, किसका मान आ गया आर ए वी का मान आ गया। अब देखिए समांतर बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम लगा देंगे, आर ए वी और आर एच दो बल हैं एक बिंदु पे लग रहे हैं और दोनों के बीच का कोण कितना 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आर ए बराबर जो होगा अंडर रूट आर ए आर एच का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस आर ए वी का होल स्क्वायर, इसको कर लेंगे तो आपको आर ए का मान आ जाएगा, कैलकुलेटर से लगा लेंगे आप लोग। और यहाँ पे देखिए मज़ेदार बात, अब आर ए जो है इसका कोण भी निकालना रहेगा कि ये 36 से कितने कोण पे है एक्स अक्ष के साथ, एक तरीके से थीटा का मान, तो थीटा बराबर भी निकालना रहता, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स आर ए वी बाई आर ए एच हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से थीटा का मान भी हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था तो हमने इसको बता दिया, अभी हम और भी सवाल लगाएंगे। कुछ लड़के मैसेज किए थे हमको एकदम जेड क्वेश्चन याद नहीं है लेकिन हम उसको लगवाने का प्रयास करते हैं, हम उसको लगवाने का प्रयास करते हैं। क्या होगा मोमेंट का ही क्वेश्चन था, मोमेंट का नहीं था, दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन था, किसी बुक का था क्वेश्चन, हमको हल्का सा याद है, हल्का सा हमको क्वेश्चन याद है, बस लगाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ऐसे कुछ था, क्वेश्चन ऐसे कुछ था, ये कोई गोला था ऐसे, ये इधर एक दीवार टाइप का बना था और यहाँ पे ये ऐसे बना था, ऐसे था आपका क्वेश्चन, ऐसे था और इसका भार कुछ था, मान लीजिए हमने भार मान लिया 100 न्यूटन, हमको भार याद नहीं है प्रश्न का, भार 100 न्यूटन है, यहाँ पे एंगल 50 डिग्री दिया हुआ था ये याद आ रहा 50 डिग्री है, तो यहाँ पे दोनों दीवारों के जो है ये दो दीवारों के बीच में रखा हुआ है, इस पर प्रतिक्रिया निकालना है, तो अगर देखें तो तल के लंबवत हमेशा रिएक्शन लगता है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन लगेगा इस बिंदु से पास करेगा, ये मान लीजिए बिंदु ए है और ये मान लीजिए बिंदु बी है, तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा आर ए और यहाँ से जो जाएगा ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बी। अब यहाँ पर एंगल का खेल है पूरा, अब देखिए अगर ये 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 50 डिग्री होगा संगत कोण से, ऐसे है आपका, तो अगर ये 50 डिग्री है तो ऐसे रहेगा तो ये भी 50 डिग्री होगा, यानी ये एंगल होगा 50 डिग्री, ये आपका 90 है तो ये एंगल हो गया 40 डिग्री, ये कितना डिग्री हो गया 40 हो गया, ये 40 हो गया आपका। और एंगल हम लोग देखते हैं, और एंगल देखते हैं, ये देखिए आपका वर्टिकल है तो ये 100 है ये 40 है, कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। अब ये जो 50 हो गया तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है। अब आपका सवाल क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए, ये आपका हो गया आर बी हो गया, ये क्या हो गया आर ए हो गया और ये क्या हो गया 100 न्यूटन हो गया। अब देखिए ये एंगल 50 है पूरा मिला के 180 होगा, तो यानी कि ये हो गया 130 अंश, कितना हो गया 130 अंश, ये एंगल तो आपका 90 डिग्री हो गया, एंगल 90 डिग्री हो गया। अब ये देखिए ये 50 अंश है,
ये 50 अंश है और ये कितना है, ये 90 अंश है, 90 50 140 डिग्री, ये कितना हो गया 140 डिग्री, 140 130 270 और 90 360। तो यहाँ पे लगा दिए संतुलन की स्थिति में लामी के प्रमेय से, संतुलन की स्थिति में लामी के प्रमेय से, लामी के प्रमेय से प्रमेय लगा दीजिए, तो क्या होगा आर ए जब लेंगे तो इसके सामने का कोण साइन 90, फिर जब आर बी लेंगे तो इसके सामने का कोण साइन 140 अंश। अब ये सब मान कैलकुलेटर से निकलेगा, बराबर जब 100 लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा 130 अंश, और जब हम आर ए निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आर ए बराबर आ जाएगा 100 साइन 90 बटे साइन 130। कैलकुलेटर में वैल्यू टाइप करेंगे आपका आर ए का मान आ जाएगा, कैलकुलेटर में जो भी आएगा उतना न्यूटन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा उतना न्यूटन। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे जब तो यहाँ से क्या होगा आर बी बराबर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 100 साइन 140 अंश बटे साइन 130 अंश। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आर बी का मान आ जाएगा कुछ न्यूटन में। इस प्रकार से ये भी प्रश्न क्या हो गया सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन हम लोग करते हैं और क्वेश्चन क्या करना है, मान लीजिए कोई कैंटीलीवर आ गया है, कोई कैंटीलीवर बीम है, इस पर रिएक्शन निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ पे 10 किलो न्यूटन लगा हो और यहाँ पे मान लीजिए 20 किलो न्यूटन लगा हो, यहाँ पे केवल प्रतिक्रिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्रतिक्रिया ज्ञात करना, तो यहाँ पे प्रतिक्रिया बल भी होगा और प्रतिक्रिया घूर्ण भी होगा। प्रश्न पूछा है कि यहाँ पे बिंदु ए पर प्रतिक्रिया बताइए, तो बिंदु ए पे प्रतिक्रिया बल भी होगा प्रतिक्रिया घूर्ण भी होगा क्योंकि यहाँ पे घूमने का विरोध करेगा, फिक्स्ड सपोर्ट है, अगर सपोर्ट का क्लास किए होंगे तो आपको आइडिया होगा। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं हम लोग तो ऐसे बनेगा कुछ, यहाँ पे कार्य करेगा आर ए और यहाँ पे एक मोमेंट कार्य करेगा एम आर, और चूंकि ए पॉइंट पे कार्य कर रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे ए, और ये बल कितना है, ये बल है 10 किलो न्यूटन है और ये बल है आपका 20 किलो न्यूटन। इसका यहाँ पे दूरी भी दिखा दीजिए, मान लीजिए ये दूरी आपकी दी हुई हो 1 मीटर हो और ये दूरी दी हुई कितना है, ये 2 मीटर दिया है। तो यहाँ पे रिएक्शन अगर पूछेगा तो लिखेंगे संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा समेशन एफ वाई बराबर जीरो, तो यहाँ से आर ए ऊपर की ओर लग रहा, आर ए माइनस 10, दूरी दिखा दीजिए, ये दूरी आपकी 1 मीटर है और ये दूरी कितनी है 2 मीटर है, तो बल वाला ले रहे हैं, बल में दूरी कोई काम नहीं है, तो माइनस 20 बराबर जीरो, तो यहाँ से आर ए बराबर कितना हो गया 30 किलो न्यूटन हो गया, कितना हो गया 30 किलो न्यूटन। और अगर हम यम आर लें समेशन यम आर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से यम समेशन यम इक्वल टू जीरो, जो यहाँ से मोमेंट लेंगे तो यहाँ पे या तो या डायरेक्ट लिखिए कि समेशन या सिग्मा यम आर की वैल्यू, नहीं ऐसे लिख सकते यम आर एट पॉइंट ए बराबर क्या होगा, या इसका फ्री बॉडी डायग्राम मतलब सिग्मा यम ए बराबर जीरो लीजिए, जब यम ए बराबर जीरो लेंगे तो यम आर ये मोमेंट पहले से, ये फोर्स नहीं है, क्या है मोमेंट है और एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको इस इक्वेशन में क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव ले गए हैं, तो यम आर ए यहाँ पे लिख देंगे, यम आर ए लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मोमेंट है तो मोमेंट में दूरी का गुणा नहीं होगा, ओनली फोर्स में दूरी का गुणा होगा, ये बल है तो ये मोमेंट वाला इक्वेशन हम लिख रहे हैं, तो बल है तो बल में दूरी गुणा करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 गुणे 1, और ये वाला भी क्लॉकवाइज घुमाएगा बिंदु ए के अबाउट, तो ये भी जाएगा माइनस 20 गुणे 3 बराबर जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा यम आर ए के अबाउट माइनस 10 और माइनस 60 बराबर जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा यम आर ए के अबाउट कितना हो जाएगा 70 किलो न्यूटन मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया।
तो अभी तक मैंने जितना भी टॉपिक थियरी से रिलेटेड पढ़ाया है, पहले आप लोग उस पर न्यूमेरिकल लगा लीजिए, जो फंसे आप लोग उसको मेरे पे व्हाट्सअप कर दीजिए। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, अगर नहीं मिलेगा तो हो सकता मैं सॉल्व करके आपको व्हाट्सअप दोबारा कर दूँ, या फिर और भी मतलब जितने भी न्यूमेरिकल दूसरे चैप्टर के तीसरे चैप्टर के पूरा आप लोग न्यूमेरिकल लगाइए। और ख़ास करके जेके कपूर से न्यूमेरिकल एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है, जेके कपूर में न्यूमेरिकल थोड़े से लो लेवल के दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप सीएम वर्मा लगाएंगे तो वहाँ पे न्यूमेरिकल आपको बहुत टफ मिलेगा देखने को। खैर आप लोग लगाइए, नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो सीएम वर्मा बेस्ट है। हमने जेके कपूर इस नाते चूज किया था कि जिसे सब बच्चों का कल्याण हो जाए, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनका भी कल्याण हो जाए, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जेके कपूर एवरेज बुक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें वैसे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, टफ न्यूमेरिकल लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सीएम वर्मा में क्या है क्वेश्चन जो है और टफ दिए हुए हैं। तो आप लोग अभी इस चैप्टर में जो मोमेंट चैप्टर में है, अभी आपका लीवर सेफ्टी वाल्व बचा हुआ है, स्टील यार्ड बचा हुआ है, व्हील से संबंधित क्वेश्चन बचा हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक जो है अगले वीडियो में पढ़ाए जाएंगे और उससे संबंधित न्यूमेरिकल को भी जो साल करवाया जाएगा। बाकी बहुत सारे बच्चे जिनको, जो बच्चे मैकेनिक्स की क्लास देख रहे कंटिन्यू, मतलब कुछ बच्चे बता रहे थे, जैसे कुछ बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, कि जो लड़के देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को बता ही नहीं रहे कि इतना बढ़िया चल रहा है, कि बता देंगे तो वो सब भी जान जाएंगे, वो सब भी पढ़ने लगेंगे। तो आप लोग ऐसा मत करिए, अगर जो भी जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा जितना व्यू जाएगा, जब तक हम लोग, जब हम लोगों को यूट्यूब की तरफ से पैसा मिलने लगेगा तो हम लोग जो है नोट्स वगैरह जो है सारा चीज़ फ्री भी कर देंगे, तब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अभी क्या है, खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि जो है कि पैसा तो YouTube से मिल नहीं रहा अभी, तो अभी मिलने में भी 4-5 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि भी उतने सब्सक्राइबर नहीं हुए, उतने व्यूज नहीं आते वीडियोज़ पे, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो जितना जल्दी आप लोग शेयर करेंगे उतना जल्दी हम लोग YouTube से पैसा मिलने लगेगा, जब YouTube से पैसा मिलेगा तो हमको आपसे पैसे लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जितने भी बच्चे मैकेनिक्स का क्लास करते हैं, कोशिश करिए जो भी बच्चा मैकेनिक, जो भी आप लोग मैकेनिक्स का क्लास करते हैं, आपके क्लास में जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो भी व्हाट्सअप वगैरह चलाते हैं, सबके व्हाट्सअप पे मेरा वीडियो जो है पहुंच जाए। अगर पहुंचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा, तभी ज़्यादा व्यू जाएगा, ज़्यादा व्यू जाएगा तभी हम लोगों को यूट्यूब की तरफ से कुछ पैसा मिलेगा, तब हम लोग जो है आप लोगों को तभी एकदम फ्री में क्लास चलवा पाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ती जा रही है, पसीना इतना ज़्यादा हो रहा है, अभी ये जो है मार्च का महीना चल रहा, अप्रैल में क्या होगा, अप्रैल में और ज़्यादा गर्मी होगी, और जो है ऐसे बिना, क्योंकि फ़ैन अगर ऑन कर देंगे तो जो है आवाज़ नहीं क्लियर आ जाएगी, अगर फ़ैन नहीं ऑन रहेगा तो इतना गर्मी होगा तो क्लास नहीं मिलेगा, यानी कि कह सकते हैं कि बिना एसी क्लासरूम के जो है पढ़ा पाना गर्मी के मौसम में जो है पॉसिबल नहीं है। और एसी लगवाने का खर्चा आप लोग तो जानते ही होंगी, और बिजली का बिल भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा आता है। तो इस वजह से जितना जल्दी आप लोग शेयर करेंगे उतना ही हमारे लिए तो बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा, आप लोगों के लिए भी उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू दोस्तों।